वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है ये मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। और मैंने ये स्पेशल जो सिस्टर है अपने भाइयों की ब्यूटी ब्यूटीफुल सी, मैंने उनके लिए ये वीडियो शूट किया है। तो प्लीज़ ये रक्षाबंधन पर ट्राई कीजिए ये मेकअप, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो वीडियो देखना शुरू करते हैं। तो मैं ये एलोवेरा जेल ले रही हूँ। सबसे पहले ये एलोवेरा जेल हमारा प्राइमर का काम करेगा, तो मैं इसे थोड़ा ही ले लूँगी हमारे चेहरे पे कि एक अच्छी सी लेयर बना देगा, जैसे कि हमारे चेहरे पे कुछ नहीं होने वाला, हमारे चेहरे को कोई हानि नहीं पहुँचेगी और ये लॉन्ग लास्टिंग यानी कि अच्छे टाइम तक रहेगा। तो अब मैं ये पॉन्स की बीबी क्रीम ले लूँगी। मैं इसे कंसीलर की तरह भी अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी और इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा लूँगी। डॉट डॉट करके हमें इसलिए सारी जगह लगाना है जो कि हमारा इक्वली चेहरा, जो चेहरे का बेस है, इक्वली हो जाए। और हमें अपनी नेक एरिया बिल्कुल नहीं भूलना है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से डैप डैप। अब ये हमारा ब्लेंड हो गया। अब हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं कॉफ़ी कलर ले रही हूँ। कॉफ़ी कलर हम अपनी क्रीज लाइन तक ही रखेंगे, क्रीज लाइन से नीचे नीचे। तो मैं कोई ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये जो मेरे पास ईयरबड की तरह ये जो ब्रश है ब्लेंडिंग करने के लिए, मैं उससे ही इसको कर रही हूँ। और ये वाइट कलर जो शेडो है वाइट कलर का, मैं इसको अपनी आईब्रोज से नीचे नीचे अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी। चाहो तो आप अपना हाइलाइटर भी लगा सकते हो। और अब मैं काजल को अपनी आईलाइनर की तरह इसको लगा लूँगी। इसे लगाने के बाद इसी ही मैं इससे इसको स्मच कर लूँगी अच्छे से। इसे स्मच करने के बाद अब मैं ये लाइनर लगा रही हूँ। मैंने स्केच पेन आईलाइनर लिया है। ये जल्दी जल्दी अगर हम मेकअप कर रहे हैं, हमें बहुत स्पीड से मेकअप करना है, तो उसके लिए एकदम बेस्ट है। और अगर बिगनर्स हैं तो उनके लिए और भी बेस्ट है। तो मैंने अपनी सबसे पहले शुरुआत इसी लाइनर से की थी, स्केच पेन आईलाइनर से। तो अब मैं काजल ले रही हूँ। काजल अगर हमारी आईज़ पे ना लगे तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो मैं बहुत हल्का हल्का इसको लगा लूँगी, जहाँ तक मुझे मोटा काजल नहीं लगाना है। लगाने के बाद सबसे पहले मैं आउटलाइन कर लूँगी लिप लाइनर से। लिप लाइनर हमको लगाने के बाद अगर हम लिपस्टिक लगा देते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारी लिपस्टिक हमारे होठों से बाहर नहीं जाती है, ये हमारी एक लक्ष्मण रेखा बन जाती है। अब ये मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये मैट है, अच्छा होगा कि आप भी मैट लगाएं, क्योंकि मैट लिपस्टिक लगाने से हमें पूरे दिन में अच्छी हमको सॉरी टाइम मिल जाता है, अच्छे टाइम तक रुक जाती है।
ये पिंक कलर मैं इसलिए लगा रही क्योंकि जो मेरा कुर्ती का कलर है वो ब्लैक और गोल्डन है, इसलिए मुझे ये पिंक कलर के लिए लिपस्टिक लगानी है। अब इसी पिंक कलर के लिपस्टिक को मैं ब्लश की तरह अप्लाई कर लूँगी अपनी चीक्स पर। सी आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अब मैं स्केच पेन आने से ही अपनी एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी बना लूँगी, ये और भी प्यारी लगेगी हमारे मेकअप पे। अब मैं इसमें से ब्लैक कलर लेके अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी क्योंकि मैंने अपने आईब्रोज फिल नहीं की हैं। इसी स्मंचिंग ब्रश से अपने आप आईब्रोज फिल कर लूँगी अच्छे से। और अब मैं ये मस्कारा ले रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद हमारी आईज़ काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी ग्लोइंग रहेंगी, यानी कि बहुत अच्छी हमारी आईज़ मेकअप लगेगा। और इसी से मैं अपनी आईब्रोज सेट कर लूँगी। अब मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के अपना मेकअप सेट कर लूँगी। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।